हेलो नमस्ते सत श्री अकाल आदाब, आप सभी का मेरे चैनल में बहुत बहुत स्वागत है। गाइस, आज का व्लॉग मदर्स डे पर होने जा रहा है और ये मदर्स डे व्लॉग का पार्ट टू व्लॉग है। मैंने आप सभी के साथ मदर्स डे व्लॉग का पार्ट वन शेयर किया है और उस व्लॉग को आप सभी ने बहुत ज़्यादा प्यार दिया है, तो आप सभी को थैंक यू। और गाइस, आप सभी इस व्लॉग को भी उतना ही प्यार दें। तो गाइस, आज के व्लॉग में आप देखेंगे कि हमने मदर्स डे वाले दिन और क्या क्या किया और मैंने अपनी मॉम के लिए क्या क्या स्पेशल चीज़ें बनाई। तो आइए गाइस, आज का व्लॉग स्टार्ट करते हैं। गाइस, अब हमने मदर्स डे सेलिब्रेट कर लिया है और अब हम भी तो मदर्स डे एंजॉय करेंगे अपनी मम्मा के साथ। तो अब हमने जो केक कट किया है हम उसे एंजॉय करेंगे, अब हम केक खाएंगे। और आप सभी भी मेरे साथ साथ केक बना लेना था आपने जब भी, और आज आप हमारे साथ साथ केक एंजॉय करें। ये देखिए गाइस, ये आ गया है हमारा केक और कितना अच्छा केक बना है, ये देखिए लेयरी लेयरी केक है ये। तो गाइस, हमने मदर्स डे सेलिब्रेशन करके केक कट कर लिया है और हमने केक भी इंजॉय कर लिया, यानी कि हमने केक खा लिया है। अब मैं मम्मा के लिए एक स्पेशल चीज़ बनाने जा रही हूँ। तो अब मैं मम्मा के लिए बनाने जा रही हूँ पास्ता। पास्ता बनाने के लिए सबसे पहले मैं थोड़ी सी चॉपिंग कर लेती हूँ। यहाँ पर मैं प्याज, शिमला मिर्च, टमाटर, लहसुन और ग्रीन चिली को चॉप करूँगी। और देखिए, मम्मा तो हमारे लिए खाना बनाते ही हैं, लेकिन जब हम मम्मा के लिए खाना बनाते हैं तब वो बहुत स्पेशल हो जाता है। जैसा कि आज मदर्स डे है तो मैंने सोचा क्यों ना मैं अपनी मम्मा के लिए पास्ता बनाऊं, तो इसलिए आज मैं अपने हाथों से मम्मा के लिए पास्ता बना रही हूं। यहाँ पर मैं ऐसे ही सारी सब्ज़ियाँ चॉप कर लूँगी और फिर हम पास्ता बनाना शुरू करेंगे। गाइस, पास्ता बनाने के लिए मैंने यहाँ पर एक प्लेट में पास्ता निकाल लिया है। मैंने 20 रुपीज़ वाला पैकेट लिया है और हम तीन जनों ने खाना है तो वो बहुत ही सफिशेंट ही रहेगा। और पास्ता बनाने के लिए मैंने गैस पर एक पतीली रख दी है और उसमें पानी ऐड कर दिया है। अब सबसे पहले हम इस पानी में कुकिंग ऑयल ऐड करेंगे, ताकि जब हम इसमें पास्ता ऐड करेंगे पास्ता पतीली से चिपके ना, वो एकदम अलग अलग रहे। सबसे पहले मैं इसमें कुकिंग ऑयल ऐड कर दूंगी। यहाँ पर हमें सिर्फ एक चम्मच कुकिंग ऑयल ही ऐड करना है। अब मैं इसमें सॉल्ट ऐड करूँगी, एक चम्मच सॉल्ट ऐड करेंगे और अब हम इसमें एक बॉयल आने का वेट करेंगे। पानी में एक अच्छा सा बॉयल आ गया है और अब हम इसमें पास्ता ऐड करेंगे। पास्ता को हमें अच्छी तरह से पकाना है और इसे हम बीच बीच में हिलाते रहेंगे ताकि ये चिपके ना, और पास्ता को हमें तब तक पकाना है जब तक ये अच्छी तरह से सॉफ्ट ना हो जाए। गाइस, मैंने सब्जियां चॉप कर ली हैं। अब हम जब पास्ता बनाएंगे तो हमें उसमें कुछ सॉसेस चाहिए। उसका पास्ता बनाने का प्रोसेस जो है वो बहुत ही फास्ट होता है, तो जब मैं किचन में होंगी इसलिए तब मेरे से उसमें सॉसेस ऐड नहीं की जाएंगी, तो इसलिए मैं अभी उन्हें मिक्स कर रख लेती हूँ। मैंने 3 स्पून्स टमाटो केचप के ऐड किए हैं और इसमें 2 स्पून्स शेजवान चटनी ऐड की है। अगर आप तीखा खाना पसंद करते हैं तो आप शेजवान चटनी ज़रूर ऐड करिए, इससे बहुत ही अच्छा टेस्ट आता है। और अब मैं इन दोनों चटनी को अच्छी तरह से मिक्स कर लूँगी। देखिए, पास्ता पककर रेडी है और अब मैंने इसे एक होल्स वाली प्लेट्स में डाल दिया है ताकि जो भी इसका एक्स्ट्रा पानी है वो अलग हो जाए। और देखिए, पहले पास्ता येलो था, अब वाइट हो गया है, हमें बिल्कुल ऐसा ही पास्ता चाहिए। अब मैंने गैस पर एक कढ़ाई रख दी है और इसमें मैं एक चम्मच कुकिंग ऑयल ऐड करूंगी। और हमने जो सब्जियां चॉप कर रखी थी, सबसे पहले हम इसमें लहसुन ऐड करेंगे। लहसुन आप इसमें ज़रूर ऐड करें, इससे पास्ते में एक बहुत ही अच्छा फ्लेवर आता है, आप इसे स्किप मत करें। और लहसुन को हम हल्का सा भून लेंगे। इसके बाद हम इसमें प्याज ऐड करेंगे। प्याज को हमें गोल्डन ब्राउन नहीं करना है, प्याज को भी हमें थोड़ा सा ही भूनना है, ताकि प्याज का जो कच्चापन है वो हमें पास्ते में क्रिस्पीनेस आनी चाहिए। और अब मैं इसमें चॉप्ड ग्रीन चिलीज ऐड करूंगी। मैं 2 ग्रीन चिली ऐड कर रही हूं और इसके साथ ही मैं इसमें कैप्सिकम ऐड करूंगी, यानी कि शिमला मिर्च। शिमला मिर्च को हमें ज़्यादा नहीं पकाना है, इसकी भी क्रिस्पीनेस हमारे पास्ते में आनी चाहिए। अब मैं चॉप्ड टमाटोज ऐड करूंगी। टमाटर को हमें ज़्यादा देर के लिए नहीं पकाना है, इसे भी मैं लगभग 1 मिनट के लिए ही अच्छी तरह से पकाऊंगी। अब मैं इसमें स्वाद अनुसार नमक ऐड करूंगी और आधा चम्मच कश्मीरी लाल मिर्च ऐड करूंगी। अब हम इन दोनों को अच्छी तरह से मिक्स कर लेंगे। अब हमने जो सॉसेस मिक्स करके रखी हैं मैं इसमें वो ऐड करूंगी और इन्हें अच्छी तरह से मिक्स करेंगे। और अब मैं इसमें पास्ता ऐड कर दूंगी और पास्ता ऐड करने के बाद हम इसे अच्छी तरह से मिक्स कर लेंगे। मिक्स करने के बाद देखिए, हमारा पास्ता बनकर बिल्कुल रेडी है और एकदम रेस्टोरेंट स्टाइल हमारा पास्ता बना है।
और ये लीजिए हमारा बिल्कुल बाहर जैसा पास्ता बनके रेडी है। और कितना डिलीशियस पास्ता बना है, मैंने अपनी मम्मा के लिए फर्स्ट टाइम पास्ता बनाया है और सच में ही ये पास्ता बहुत टेस्टी बना है। आप सभी भी इसे एक बार ज़रूर ट्राई करिए। गाइस अब पास्ता और मैंगो शेक बनकर रेडी है। मैंने मैंगो शेक भी बनाया है और मैं उसके ऊपर टूटी फ्रूटी डाल रही हूँ। ये टूटी फ्रूटी मैंने घर पर ही बनाई है, इसकी रेसिपी मैं आपके साथ जल्द शेयर करूँगी। और मैंगो शेक की भी रेसिपी मेरे यूट्यूब चैनल पर बहुत जल्दी ही आ रही है। और देखिए मैंगो शेक और पास्ता बनकर रेडी है, अब हम इन्हें इंजॉय करेंगे और आप सभी भी हमारे साथ साथ इंजॉय करें। ये हम हैं, ये हमारा पास्ता और मैंगो शेक है और ये हमारी पारी आ रही है, ये हमारी पारी आ रही है, ये। अब बज चुके हैं रात के 8 और हमारा हो गया है डिनर टाइम। तो डिनर टाइम में मम्मा ने कुछ स्पेशल बनाया है। मम्मा ने हमारे फेवरेट छोले भटूरे बनाए हैं। मम्मा कहते कि तुम सब ने मेरे लिए सारा दिन इतना कुछ किया तो क्यों ना मैं भी तुम्हारे लिए कुछ करूं। तो मम्मा ने हमारे फेवरेट छोले भटूरे बनाए हैं और इसकी रेसिपी मैंने आपके साथ शेयर की है, जिसका लिंक मैंने डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मेंशन कर दिया है। तो आप सभी वो रेसिपी ज़रूर देख लेना और इन्हें ट्राई भी करना। अब हम डिनर एंजॉय कर रहे हैं और आप सभी भी हमारे साथ साथ डिनर एंजॉय करें। गाइस आई होप कि आप सभी को ये व्लॉग बहुत अच्छा लगा होगा। अगर आप सभी को ये व्लॉग अच्छा लगा हो तो प्लीज़ इसे एक लाइक ज़रूर दें और इसे ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें। नीचे कमेंट देना बिल्कुल भी मत भूलिए। अगर आप मेरे चैनल पर न्यू हो तो चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करना और साथ में जो बेल आइकन है उसे भी प्रेस कर देना, ताकि जब भी मैं नई वीडियो डालूँ उसकी नोटिफिकेशन आपको सबसे पहले मिल जाए। थैंक यू फॉर वॉचिंग, बाय बाय, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।